So I have seen all the students here, sent me your work and it was very good. So today we are doing revision. लाइक हमने 5 से 10 तक अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं हमारे 5 से 10 उनका इसके अंदर हम रिपीट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किन किन बच्चों को ये समझ आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे पेज नंबर 40 पर है हमारा अभ्यास 2 जो कि हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का कार्य। अब वन ओपन योर पेज 40 बुक में ही रेज वन तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दी गई जगह में दो दो नाम लिखिए। तो क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। नंबर वन है हमारा शहर, तो शहरों के नाम लिखने हैं। ये हमने किस में पढ़ा है, संज्ञा में। संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम। तो आपको ये सब जितने भी लेसन हमने किए हैं, जैसे कि हमारा लेसन 5 था, ये 5 से लेकर 10 तक का अभ्यास कार्य है, ठीक है। 5 लेसन था हमारा संज्ञा और 6 लिंग एंड 7 वचन, 8 सर्वनाम, 9 विशेषण और 10 क्रिया। तो ये 5 से 10 तक जितना भी कार्य हमने किया है उसको दोबारा से रिपीट किया। प्रश्न 1 में हमारा लिखा हुआ है हमने सबसे पहले शहर, शहर के बाद हमने लिखा है मित्र, ओके। मित्र के बाद है फल, तो आपको ये दो दो चीजों के नाम लिखने हैं। फूल आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं, ये दो शहरों के नाम लिखने हैं, दो मित्र के, दो फलों के नाम और दो फूलों के नाम, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट क्या है, संज्ञा। संज्ञा के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो वही चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है दो दो, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न 2 आप देखेंगे उस संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न लिंग का है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर है 4, नंबर 1 गुलाब, उसके बाद है कमल और फिर है सूरजमुखी और अगला है हमारा लीची। तो आप देखिए बताइए यहाँ पर आपको कौन सा बिल्कुल का फूल, कमल का फूल और सूरजमुखी की फूल, तो आइए राइट। तो हमारा याद आएगा आंसर। नंबर 2 है हमारा दूध, पनीर, दही और चाय। कैसे बोलते हैं हम, देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन सा भी लिखा है। दूध पी लिया, पनीर खा लिया, दही खा लिया, क्या आपने चाय पी ली, तो चाय जो क्या हुई है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर हमने बोला लगा। अगला देखते हैं नंबर 3 माली, सुनारे। आप देखेंगे कि मैम से पहले ये लिख सकते हैं आप आंसर, जल्दी जल्दी करके देखिए क्या आंसर आना चाहिए, बहुत इजी है ये तो। दर्जी और डाकिया, अब इसे बताइए कौन सा डिफरेंट लग रहा है आपको, कौन सा अलग लग रहा है। माली, माली कौन होता है, पुलिंग। सुनारे स्त्रीलिंग, दर्जी पुलिंग और डाकिया पुलिंग, ठीक है। यानी कि ये भी पुरुष, पुरुष और ये भी पुरुष, सिर्फ ये है हमारा स्त्रीलिंग, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सुनारे। इसी तरह से नंबर 4 देखेंगे हम, मेज, कुर्सी और डिब्बा और बेंच। ऑडिबल देखते हैं ना इंग्लिश में, ऑडिबल मैथ्स में मेज, कुर्सी, डिब्बा, बेंच। अगर हम देखें तो ये तीनों हमारी बैठने की चीजें हैं, मेज, कुर्सी, बेंच और डिब्बा, ठीक है। अगर हम ये देखें कि इसके अंदर पुलिंग स्त्रीलिंग है तो आंसर क्या होना चाहिए, मेज जो है पुलिंग है, डिब्बा पुलिंग और बेंच पुलिंग, तो स्त्रीलिंग क्या हुआ हमारा, कुर्सी, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुर्सी। इसी तरह से हमारा प्रश्न 2 सॉल्व हो गया जिसके अंदर से आपने लिंग और स्त्रीलिंग और पुलिंग का ज्ञान आपको हुआ। अगला हमारा प्रश्न
नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली जगह पर लिखिए। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा वचन बदलों का, संज्ञा हो गया, लिंग हो गया और अब है हमारा वचन। तो 5 से 10 तक के जो हमारे अध्याय हैं वो इसके अंदर सब हो जाएंगे और आपको ग्रामर तो आपका जो है वो हमेशा सारे के सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि संज्ञा क्या है, लिंग, वचन। ऐसा नहीं है कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का हमें भूलता जा रहा है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए इन्होंने इस तरह से अभी तक के जितने लेसन हुए हैं, पहले 1 to 4 का था अध्याय, अब है हमारा 5 to 10 का। तो आप यहाँ से अगला प्रश्न हम करेंगे, अब प्रश्न नंबर 3, तो आइए देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और क्या चीज हमें इस सेंटेंस के अंदर रिक्त स्थान में भरनी है वो हम देखेंगे। तो प्रश्न 3 है हमारा, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरेंगे। खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ हमने दिया है कि घास चर रही है, तो है आ गया तो वचन बदलो हो गया, तो वचन बदलो में कौन सा आना चाहिए, बकरी या बकरियां, ये आपको देखकर लिखना है कौन सा आंसर आएगा। तो बताइए बताइए क्या आना चाहिए, घास चर रही है आ गया तो यानी कि बहुत सारी बकरियां हुई, तो क्या आएगा हमारा आंसर, बकरियां, राइट। ये हुआ हमारा 1। अगला है हमारा 1, खाली स्थान झूला झूल रही, झूला झूल रही है, तो इसके तो बात से ही क्लियर है, एक है तो कौन सा हुआ, एक वचन। तो इनके ऑप्शन है लड़की और लड़कियां, सभी को आंसर पता चल गया होगा, क्या आंसर आना चाहिए, यस 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 सभी को पता चल गया है, एक है तो क्या आएगा, लड़की। बहुत ही आसान है, सभी को समझ आ रहा है। अगला है हमारा नंबर 3, मेरी डैश मेज पर रखी है, मेरी खाली स्थान मेज पर रखी। अब यहाँ देखिए है यहाँ लिखा है इन्होंने है, तो है हो गया हमारा बहुवचन, पुस्तक या पुस्तकें, पुस्तक क्या है हमारा एक वचन और पुस्तकें हैं बहुवचन, तो इन्होंने लिखा मेरी मेज पर रखी है आ गया तो क्या आंसर आएगा, पुस्तकें। यहाँ भी गिनती आएगी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर 3। अब हम करेंगे नंबर 4, पानी में खाली स्थान तैर रही है। अब आप यहां देखिए है क्या होता है, बहुवचन, तो यहां पर क्या दिया है ऑप्शन, मछली और मछलियां, तो सभी बच्चे मैम से पहले आंसर लिख चुके होंगे क्योंकि ये तो बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया तो बाकी के आपको समझ आ गए होंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सभी ने लिख लिया है यस मछलियां, क्यों, क्योंकि चंद्र बिंदु यहाँ पर क्या था, है क्या होता है, बहुवचन, तो बहुवचन में क्या आना चाहिए, मछलियां, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 3, सभी ने बहुत अच्छे से समझा। अब अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सही मिलान करके वाक्य लिखिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रश्न 4, आइए। 10 तो चलिए प्रश्न 4 करते हैं, सही मिलान करके वाक्य लिखो। तो सही मिलान में क्या आएगा, अगर आप ये देखें सामने सामने जो लिखा है क्या ये सही है, इन्होंने लिखा है मैं अवश्य जाएंगे, तो मैं आ गया तो जाएंगे बहुत सारे हो गए, इससे मैच नहीं होता, तुम कानपुर जाऊंगा इससे मैच हो रहा है, नो वह नहीं जाएगा, यस हम कब जाओगे, नो, तो हमें इसको सही मिलान करके
जाओगे, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस है, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। इसी तरह से है हमारा अगला हम अवश्य जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न चार जो है वो हमने वाक्य को सही मिलान किया, मैं के साथ क्या आएगा और तुम के साथ क्या आएगा, वह के साथ और हम के साथ। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं अकेला पर्सन है एक वन, तो क्या आएगा, मैं कानपुर जाऊंगा। तुम में क्या आ जाएगा, तुम दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, तो तुम कब जाओगे। वह नहीं जाएगा, वह, ठीक है। थर्ड पर्सन हम हो गए काफी सारे लोग, तो अवश्य जाएंगे, राइट। सभी को समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो चलिए, ही बनाई, तो इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं नमकीन और स्वादिष्ट। तो क्या खीर कभी नमकीन होती है, नहीं। क्या होती है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्वादिष्ट मीन्स बहुत ही टेस्टी। नंबर 2 है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो कैसे बादल छाते हैं आसमान में, आप देखिए ऑप्शन में से क्या आना चाहिए, आसमान में डैश बादल छाए हैं। कैसे बादल छाए हैं, इन्होंने लिखा है नीले और काले। क्या आएगा हमारे यहाँ पे, काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर 2 है। अगला है हमारा, पिताजी चीनी लाए। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, क्या आंसर आना चाहिए, पिताजी चीनी लाए। तो चीनी कैसे लाते हैं हम, किलो में या लीटर में, किलो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिताजी 2 किलो चीनी लाए। ये हमारे विशेषण शब्द हैं। अगला है हमारा, ये नींबू डैश है, ये नींबू डैश है। कैसे है नींबू, ऑप्शन में दिया है हमें खट्टे और तीखे। तो नींबू कैसे होते हैं, खट्टे नींबू। तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं, ठीक है। प्रश्न 1 में हमने किया संख्या, प्रश्न 2 में हमने किया लिंग, प्रश्न 3 में किया हमने वचन, और प्रश्न 4 था हमारा विशेषण, प्रश्न 5 हमारा विशेषण, ठीक है। इसी तरह से अगला है हमारा प्रश्न 6, आप घर पर और विद्यालय में क्या क्या काम करते हैं, कोई तीन काम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, तो लास्ट प्रश्न 7 जो है वो करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं प्रश्न 7। अब देखिए प्रश्न 7 है हमारा, इन्होंने दिया है कौन क्या करता है, सही मिलान कीजिए। तो सभी को पता है बहुत इजी है, धोबी क्या करता है, कपड़े धोता है। माली क्या करता है, पौधों की देखभाल। और डाकिया पत्र बांटता है, डॉक्टर इलाज करता है। तो सभी को समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8, नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। तो ये हमने अपने प्रश्न 1, 2, 3 में कर लिया है ऑलरेडी, तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, तो बहुत ही इजी है। इसी से रिलेटेड 1 से 8 प्रश्नों की वर्कशीट देने जा रही हूँ आपको, वो आपको आज करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डू योर वर्क, हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।